90 के दशक में रामचंद्र सागर की रामायण कैसे कोई भूल सकता है, जिसे देखने के लिए लोग घंटों पहले टीवी के सामने बैठ जाते थे। दिलचस्प ही रहता था जब रामायण के दौरान घर की बिजली चली जाने पर हम उन घरों की तरफ भागते थे जहां बिजली आ रही हो। ऐसा कहा जाता है कि रामायण शुरू होने पर सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, जैसे आज भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान हो जाती है। रामायण सभी किरदार हम सभी को मुंहजवानी याद है। रामानंद सागर की रामायण की खास बात ये थी कि रामायण के सभी किरदारों ने भारतीयों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। उनमें से एक अहम किरदार था भगवान राम का। आपको बता दें कि यह किरदार अभिनेता अरुण गोविल ने निभाया था। जिस तरह से उन्होंने इस किरदार को निभाया था वो वाकई सराहनीय था। इतना ही नहीं, उन्हें लोग सच का भगवान समझने लगे थे और उनसे आशीर्वाद मांगने आते थे। तो चलिए अरुण गोविल के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें जो शायद अभी तक आपको पता ना होगी। अरुण गोविल की बेटी सोनिका पढ़ाई करने के बाद जॉब कर रही हैं और अरुण गोविल की बेटी सोनिका देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बहुत कम लोगों ने ही उनकी बेटी को देखा होगा, लेकिन जिसने भी देखा होगा वो देखता ही रह गया होगा। उनकी सादगी लोगों का दिल जीत लेती है। सोनिका अपने परिवार और अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती हैं। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं। सोनिका 2016 में मुंबई की माइंड शेयर कंपनी में बतौर प्लानिंग एग्जीक्यूटिव जॉब कर रही हैं। इससे पहले वो ग्रुप एम मैक्सिस जैसी कंपनी में जॉब कर चुकी हैं। साथ ही वे पहले पार्ट टाइम असिस्टेंट मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की जॉब भी कर चुकी हैं। वही बात अगर उनकी एजुकेशन की करें तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न मिनिस्टर से मार्केटिंग कम्युनिकेशन से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर चुकी हैं। नेक्स्ट 9 लाइफ न्यूज डेस्क की रिपोर्ट।